जय श्री राम। डाल ही देते हैं, रख देते हैं। कालाकुंड और ये सुबह सुबह की चाय योगी भैया के साथ कालाकुंड से। ये देखिए राम सिंह भैया के यहाँ पे, तो देते हैं अपडेट आपको, चाय पी लें। तो ये हमारा सुबह का पोहा, अभी चाय ली थी अब योगी भैया के साथ पोहे, और शानदार कालाकुंड में आज नाश्ते में है पोहा। पोहा खा के हम जाने वाले हैं पास में गाँव है गुंजारा, वहाँ तक। उसके बाद फिर दिन भर आराम ही करना है, कोई दूसरा काम तो है नहीं यहाँ पर। तो भाई पोहा लेते हैं, उसके बाद फिर आपको ले चलते हैं गुंजारा। हेलो बोलो। हेलो इस जगह को प्रमोट करने वाले दिन बोलता नहीं है, मैं बोला तुमको कि कवर करो। एडवेंचर में कभी लगा कभी नहीं लगा, उसमें इतना खर्चा भी नहीं चल पाता ढंग से। सही है, इसलिए वो भी क्या कैम्प क्या है, 6-1 महीने इतना नॉलेज है जो उससे क्या है कि अपने को किराया देना पड़ता है। बस सामान नहीं है ना, तो जब सामान अपने पास में इकट्ठा करना धीरे 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 शुरू कर दे भाई। रखने के लिए क्या है, चला एक आधी और बना ली और उसके अंदर सामान रखने का कर लिया, तो दिक्कत क्या है बता। देखा तो नहीं है लेकिन बोलते तो है। बची बची हुई कितना भैया, कुछ नहीं खाएगा, नहीं खाने दीजिए, उसके लिए तुम डेवलपमेंट ही रोक दो, वो गलत। इसके लेवल पे आता घर पे है ना, शायद वगैरह होंगे, तो हम सुबह से निकले थे ऐसे गाँव में थोड़ा सा ट्रैक करते हुए। अभी यहाँ पे आ गए हैं वापस, गर्मी अच्छी बढ़ गई है, बैठ के पानी पियेंगे फिर वापस हम जाएंगे ऊपर। और एकदम सुनसान माहौल है, एकदम बढ़िया गर्मी का आनंद लेते हुए। आज से नौतपा शुरू हो गया है, तो नौतपा के पहले दिन ही हैप्पी नौतपा। हाँ हैप्पी नौतपा। नौतपा वाले दिन यहाँ गर्मी का एहसास होगा, इंदौर की 45-46 वाली गर्मी आज वहाँ पर यहाँ फील होने वाली है। आज तक कहाँ होगी, उठा के ले आती थी बिना थके। आटा चक्की भी थी ना, वो तो गया ना, क्या पार्सल पा। एक आटा चक्की भी थी और एक ने बनाया था सुनील ने टेम्पो। हाँ उसने उसका घर इतना प्यारा बनाया हुआ था, बांस वांस करके और खपच्चिया उपच्चिया लगा के। तो ये है कालाकुंड रेलवे स्टेशन और सब कुछ सुना हो गया यहाँ पे। ये देख रहे हैं आप कार्ड, ये इसमें
मिलता था कालाकुंड का फेमस कलाकंद, जो कि अब पूरा यहाँ पर सुना हो गया जब से ट्रेन बंद हुई, ट्रैक बंद हुआ है। और एक जो रौनक थी यहाँ पे स्टेशन पे पूरी ख़त्म हो चुकी है। ये स्टेशन पूरा बंद, यहाँ का स्टेशन है, ये टिकट काउंटर है। और योगिन भैया और हम सुबह से मॉर्निंग ट्रैक पे निकले थे, अभी टाइम हो रहा है, अभी 10 बज रही है, धूप अच्छी हो गई है, एकदम गर्मी बढ़ गई है। और किसी टाइम पे इसी टाइम पे लगभग 10 बजे के आसपास यहाँ पे मॉर्निंग में ट्रेन होती थी। और पूरा यहाँ पर पापड़ वाले छोटे छोटे कार्ट, यहाँ पे ये दुबे जी का कालाकुंड का प्रसिद्ध कलाकंद या कलाकंद का स्टॉल रहता था। और ये जो पीछे दिख रहा है मेरे, ये यहाँ पे इन्होंने छोटा सा म्यूज़ियम तैयार करा था, यहाँ पे गार्डन है। तो सब कुछ अभी सुना सुना हो गया है पूरा, ये पूरा कलाकुंड रेलवे स्टेशन। तो अभी हम थोड़ा और गांव तरफ उधर जाने वाले हैं, फिर वापस जाएंगे। तो दिन भर आज यहीं पे रुकने वाले हैं, तो आपको अपडेट देते रहेंगे। आज से 15 दिन बाद बारिश वापस रौनक हो जाएगी। ये गार्डन में झूले हैं जो बेचारे सूने सूने पड़े हुए, वापस चालू हो जाएंगे। बीच में प्री मानसून शावर्स ने काफ़ी हद तक हरियाली वापस ले आए हैं। हाँ, नई पत्तियां आ गई है सागौन पे। तो ये देख रहे हो आप, ये गार्डन बहुत अच्छा डेवलप किया है। पीछे नदी है, नदी में भी डैम बना हुआ है। और इसी डैम में यहाँ पीछे वोटिंग भी शुरू करी थी। ये सारी जो मेडिसिनल प्लांट्स है वो यहाँ पर लगाए गए हैं। ये पूरे एरिया के अंदर मेडिसिनल प्लांट्स हैं, शतावरी वगैरह, अश्वगंधा, शमी। लेकिन हालत देखो, पूरा अश्वगंधा पूरा सूख रहा है। ये सारी चीज़ें इसमें यहाँ पे डेवलप की हुई है। गर्मी है यहाँ पे, लेकिन जो एक कालाकुंड आने का सुकून है ना, आधी ठंडक तो उससे मिल जाती है। और साथ में आज योगी भी आए, इनसे बहुत कुछ सीखा है मैंने। विटामिन डी की कमी है। विटामिन डी यहाँ पे धूप दे रही है और विटामिन के की कमी कालाकुंड दे रहा है। हाँ, विटामिन के हमारा जो कालाकुंड है वो पूरी कर रहा है। और ये जो पीछे देख रहे हो आप, ये जो मंदिर है, इस मंदिर में बताते हैं पीछे की साइड में जब वो महितपुर की लड़ाई हुई थी पेशवाओं और शायद अंग्रेजों के बीच में, तो उसमें पहाड़ी लोग तो जो थे उनके साथ का खजाना लूट लाट के वो इधर ही कहीं से गायब हो गए थे। तो बताते हैं कि यहाँ पे खजाना वजाना अभी भी गड़ा पड़ा हुआ है। लोग गए हैं बहुत सारे, ढूंढा रांडी करी उन्होंने, काफ़ी खोजबीन करी, मगर किसी को भी एक सिक्का भी नहीं मिला। तो आप भी आ जाए, आपकी किस्मत कभी आपको मिल जाए तो कुछ दिन गुजारिए कालाकुंड में और खजाना ढूंढिए। माता जी का मंदिर है, ये माता जी का मंदिर है। यहाँ पे ही बोलते हैं, कहावत है कि यहाँ माता जी के मंदिर पे शाम को जब आरती होती थी तो यहाँ पे शेर आता था। ऐसा गांव में गांव वालों ने मुझे कुछ ने बताया था यहाँ पे कि यहाँ आरती होती थी पुराने टाइम पे और शेर आता था यहाँ पे। और इसके अलावा इसके पीछे जाके भी एक मंदिर है, वो गुफा के अंदर है, बड़ी प्यारी जगह है। अब वो आपको बारिश में एक्सप्लोर करवाएंगे क्योंकि वो बारिश वाली जगह है, अभी यहाँ पे कुछ है नहीं। और अभी देखो हमारे पीछे अभी एक और, हमारे एक और साथी, उसको लगा कि कुछ मिलेगा इनसे, बेचारा अकेला हो गया है। पहले लोग आते रहते थे यहाँ पे, तो कहते हैं ना ट्रैक बगैर कुत्ते के पूरा नहीं माना। हाँ, तो ये हमारे इस ट्रैक में ये डोगी साथ में है। श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर कालाकुंड में, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको देंगे योगी भैया। ये है, इसको पंपापुर धाम बोलते हैं। और यहाँ पर जो शंकराचार्य जी, स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज जी जो थे वो भी यहाँ पे आ चुके हैं। और यहाँ पर अखंड ज्योत भी है और रामायण पाठ भी चलता रहता है। अभी पंडित जी गए हुए हैं तो इसकी वजह से कुछ समय के लिए यहाँ पे ब्रेक हुआ है, फिर से शुरू हो जाएगा। तो चलिए आपको दर्शन करवा देते हैं। देखो कितना बढ़िया, यहाँ पे टेम्परेचर आके बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा डाउन हो गया है, क्योंकि यहाँ पे ग्रीनरी बहुत अच्छी है। देखिए चारों तरफ हरियाली है, ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे, तो इसलिए बोलते हैं भैया प्लांट मोर ट्रीज सेव नेचर, गर्मी से आपको ये पेड़ ही बचाएंगे। एसी नहीं बचाएगा। हाँ, एसी और कूलर नहीं बचाने वाले आपको, कोई एसी आपको बचाएगा नहीं।
जय हो बाबा। बालाजी महाराज की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जिन्ना रहा भगवान। हाँ आ रही थी मैं, चलो घूम फिर लेते थोड़ा काला कुम। रात को अभी तो ऊपर जाएंगे बंगले पे, अभी इधर से यूँ घूमते हुआ है गुंजारा से तू आए। पसीना आ रहा है बहुत, मुझे भी ले गया है। हाँ दिख रहे ना, ये एक में तो फफून लग गई है। फफून ने चूहे ने फोड़ दिया। अच्छा चूहे ने फोड़ दिया। बेली आ हाँ अभी तो फफा शेयर करना है। अच्छा दिखे पौधे लगा दिखे अंदर से जितने भी पौधे लग जाए। हाँ बहुत सारे लग जाएंगे इससे, कहीं बारिश के टाइम पे लगे देखे और घूम के। क्या नाम है इसका? स्टीविया। स्टीविया राइबोडियाना। स्टीविया राइबोडियाना नाम का ये औषधीय पौधा है जो कि लगता है मीठा। ये शक्ल से 60 गुना ज्यादा रहता है मीठा। और ये है इंसुलिन का पौधा शुगर पेशेंट के लिए। इसका वीडियो बनाया क्या? हाँ इंसुलिन की पत्ती है जो कि डायबिटिक पेशेंट के लिए काफ़ी अच्छी है, ये आज पता चला मुझे। तो अब इसको सेट्रिक है, थोड़ा खट्टा है इसमें। टेस्टी है लेकिन। ये भैया ने काफ़ी अच्छे से मेंटेन कर रखा है यहाँ पे, छोटा सा गार्डन है लेकिन काफ़ी फ्रूट वाले पौधे लगा रखे हैं यहाँ पे। तो कालाकुंड में आज का दिन ये कुछ ऐसा रहा, आधा दिन निकल गया, बाकी की शाम अभी बाकी है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।